तानसेन ने कहा, दूसरे लोग भी हैं जो मुझसे काफी बेहतर हैं। अकबर ने कहा, कौन है वो, उन्हें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, सबसे अच्छे कलाकार कभी आपके दरबार में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, हम यात्रा नहीं कर सकते। जब कोई राजा निमंत्रण भेजता है तो आप या तो जाते हैं या लटक जाते हैं। जब यह खबर अकबर के पास पहुंची तो वो बहुत विचलित हुआ। मैं उनके साथ रानियों जैसा बर्ताव करता। भारत में इस तरह की कई कहानियां और कथाएं हैं, कई संगीतकारों के बारे में, खास तौर से उनकी जो बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका नाम तानसेन था। तो तानसेन के पास ऐसी महारत थी कि अगर वो बरसात का राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। कहते हैं वो दीपक जला दिया करते थे। वो दीपक राग गाते थे और अपने मन के दिए पर एकाग्र करते थे और वो जल उठता था बिना माचिस के। तो वो उस्तादों के उस्ताद थे, तानसेन के गुरु हरिदास थे। उन्होंने ऐसी ही काबिलियत वाले कई गायक पैदा किए। सिर्फ तानसेन ही प्रसिद्ध हुए क्योंकि वो राजा के लिए गाने को तैयार थे। हरिदास के बाकी शिष्यों ने ईश्वर के अलावा किसी दूसरे के लिए गाने से मना कर दिया। हरिदास यानी ईश्वर का गुलाम। तो उन्होंने लोगों को इस तरह से संगीत सिखाया कि ये संगीत सिर्फ ईश्वर के लिए है। अगर कोई उसे सुन लेता है तो वो उसका सौभाग्य है, लेकिन उसे कभी दर्शकों के लिए नहीं गाया जाएगा। उसे कभी किसी राजा या दरबार के लिए नहीं गाया जाएगा। तो कई बार जब उन्होंने गाने से मना कर दिया तो उनका गला ये सोचकर खोल दिया गया कि संगीत वहां छुपा हुआ है। पता है ना, बेवकूफ लोग हमेशा ऐसे होते हैं। अगर एक मुर्गी सोने के अंडे देती है तो वो उसका पेट काटकर देखना चाहते हैं कि शायद वहां बहुत सारे अंडे हों। अगर किसी का गला इतना जादुई है तो वो उसे खोलकर देखना चाहते हैं कि शायद वहां कोई जादू है। उन्होंने वैसा किया। तो तानसेन बहुत प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया था अपने गुरु की नीति से, या एक तरह से अपनी चेतना से। उनके गुरु हरिदास ईश्वर के अलावा किसी के लिए नहीं गाते थे, लेकिन तानसेन थोड़े ज्यादा कूटनीतिक थे और दूसरों की अपेक्षा उनमें जीवन संरक्षण प्रवृत्ति ज्यादा थी। तो वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। और एक दिन जब उनके संरक्षक अकबर ने तानसेन की बहुत तारीफ की, उनके संगीत से अकबर की आंखों में आंसू आ गए। अकबर उन्हें एक उपाधि देकर कहना चाहते थे, तुम धरती के सबसे महान संगीतकार हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तब तानसेन ने कहा, नहीं जहांपना, मैं दुनिया का सबसे अच्छा संगीतकार होने की सर्वोच्च उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहां दूसरे लोग भी हैं जो मुझसे कहीं बेहतर हैं। अकबर ने कहा, क्या तुमसे भी अच्छा कोई है और वो मेरे दरबार में नहीं है? कहां है वो? क्योंकि राज दरबार में, खासकर शक्तिशाली बादशाह के दरबार का मतलब है कि धरती पर जो कुछ भी मूल्यवान है उसे वो इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे वो हीरा हो या सोना या मोती या संपत्ति या दौलत या आदमी या औरत हो, सबसे सुंदर औरत, बुद्धिमान आदमी, हर किसी को दरबार में होना होगा। यही राजा की इच्छा होती है। तो जब तानसेन ने कहा, मुझसे बेहतर गायक भी हैं, मुझसे काफी अच्छे, इससे अकबर नाराज हो गया। तुमसे बेहतर कोई है और वो मेरे दरबार में नहीं है? ऐसा कैसे हुआ? कौन है वो? तो तानसेन ने कहा, ये दो लड़कियां हैं, वो बहनें हैं, जो मुझसे कहीं श्रेष्ठ हैं। तो अकबर ने कहा, उन्हें लेकर आओ। तब उन्हें लेकर आओ का मतलब उन्हें पकड़कर वहां लाना नहीं था, क्योंकि उन्हें गाना भी होगा, उन्हें बेसुरा नहीं होना चाहिए, है ना? तो उसने उन्हें निमंत्रण भेजा।
जब कोई राजा निमंत्रण भेजता है तो आमतौर पर आप या तो जाते हैं या लटक जाते हैं, ठीक है? ये उस किस्म का निमंत्रण होता है। ये थोड़ा बलपूर्वक निमंत्रण है, आपको जाना ही होगा। अगर आप नहीं जाते तो आपके साथ दूसरी चीजें होंगी। तो वो पालकी के साथ उन्हें बुलाने के लिए गए और परिवार के लिए हर तरह के कपड़े, उपहार और हर चीज के साथ एक बड़ा निमंत्रण दिया। तो लड़कियों ने इसे देखा, उन्होंने कहा आप 3 दिन इंतजार कीजिए क्योंकि अभी हमारा मासिक धर्म चल रहा है, हम यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है और राजा के सेवकों ने 3 दिन तक इंतजार किया। लेकिन इन दो लड़कियों ने संगीत का एक जादुई प्रदर्शन किया जिसे लोग सिर्फ घर के बाहर ही सुन पाए। और 3रे दिन जब उन्हें जाना था वो मर गईं। लोगों को लगा उन्होंने जहर खा लिया है, हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इसकी है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जिस तरह से उनका वर्णन किया गया है उससे यह काफी संभव है कि बस ध्वनि के उच्चारण से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया होगा। मैंने खुद देखा है लोगों ने बस सरल से शब्द शंभो शंभो का उच्चारण करके शरीर छोड़ दिया। इस परंपरा में कई लोग इसी तरह चले गए हैं। तो वो दोनों मर गईं। और जब यह खबर अकबर के पास पहुंची तो वो बहुत विचलित हुआ, वो क्यों मर गईं? वो मेरे दरबार में आ जाती, मैं उनके साथ रानियों जैसा बर्ताव करता, वो जो भी चाहती मैं उन्हें देता, उन्होंने अपना जीवन क्यों त्याग दिया? तो बीरबल ने कहा उनके लिए उनका संगीत उनके ईश्वर के लिए एक भेंट है और वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो दौलत उन्हें दे सकते थे वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दरबार और प्रतिष्ठा और भी दूसरी चीजें जो आप उन्हें दे सकते थे उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए ध्वनि पर महारत और जिसे वो स्पर्श करती हैं सिर्फ यही दो चीजें मायने रखती हैं। वो सर्वोच्च सुख जानती हैं, वो आपके दरबार के लिए समझौता नहीं करेंगी। तो सर्वश्रेष्ठ आपके दरबार में कभी नहीं आएगा महाराज, आपको ये पता होना चाहिए। So the music as a tool for one's sadhana towards touching the divine has been a powerful tool, a profound involvement with music. तो ईश्वर को स्पर्श करने के लिए व्यक्ति की साधना के रूप में संगीत एक शक्तिशाली साधन रहा है। संगीत के साथ एक गहन जुड़ाव सृष्टि के गहरे आयामों में उतरने की कुंजी भी बन सकता है। जो व्यक्ति सृष्टि की पर्याप्त गहराई में उतरता है वो सृष्टि स्रोत से नहीं चूक सकता।